हवा तितका निषेध आणि निदर्शनं करा, पण सुधारित नागरिकत्व कायदा मागे घेणार नाही असं वक्तव्य गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलंय. लखनौमधल्या आयोजित सभेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेससह विरोधकांवरही टीका केली आहे. पाहू त्यावरचा खास रिपोर्ट. और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला. सुधारित नागरिकत्व कायदा 10 जानेवारीपासून पूर्ण देशामध्ये लागू झालाय. परंतु या कायद्याच्या विरोधामध्ये सध्या संपूर्ण देशामध्ये निदर्शने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवरती भाजप आणि केंद्र सरकारच्या वतीने CAA बद्दल जनजागृती करण्यात येते आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमध्ये सभा घेतली. यावेळी त्यांनी देशात भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जात असल्याची टीका केली आहे. देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज जमी फैलाई जा रही है. ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे, ये दिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी. किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. यावेळी त्यांनी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांवरही टीका केली. हिंदूंवरती अत्याचार होत असताना मानवाधिकार कार्यकर्ते कुठे होते असा प्रश्न त्यांनी विचारला. ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पट्टिया बांध बांध कर निकलते हैं. मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जब करोड़ों लोग मारे जाते थे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश से भाग कर आते थे, आपका ह्यूमन राइट कहां सो गया था? करोड़ों लोग मार दिए गए, भाग भगा दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिया गया. अरे कश्मीर के अंदर से 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में विस्थापित कर दिया गया. आपके मुंह से एक शब्द नहीं. CAA मुळे कोणाचंही नागरिकत्व जाणार नाही, यामुळे कितीही विरोध केला तरी हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही असं अमित शहा यांनी म्हटलंय. हे मेरे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई जो वहां से भाग कर आए, उनको नागरिकता देने का एक कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला. या सभेमध्ये त्यांनी समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसवरती सरसंधान साधलंय. CAA वरून होणाऱ्या हिंसाचाराला हे पक्षच जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. ये लोग हमारी न सुने तो मैं समझता, योगीजी आश्चर्य व्यक्त करते थे कि ये क्यों नहीं समझते. मैंने बोला, योगीजी इनकी आंख पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है, वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है. ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की आंख, वोट बैंक की लालच में अंधी हुई है. और अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है. किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो मंच पर आकर, ये क्या है, 5 मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ. कभी कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है. अमित शहांनी राजस्थान सरकारवरही टीका केली. तर देश हिताच्या विरोधामध्ये काम करण्याची अनेकांना सवयच लागली आहे असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावलाय. अभी अभी 1 साल पहले राजस्थान में चुनाव हुआ, राजस्थान का घोषणा पत्र आप निकाल कर देख लीजिए. घोषणा पत्र की कलम 34 में लिखा है, पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू को हम नागरिकता देंगे. जब आप कर रहे हो तो बरोबर है, और मोदी जी कर रहे हैं तो विरोध करना है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ CAA का विरोध करते, ये राहुल बाबा को आदत पड़ी है. देश हित की जो भी बात है इसका विरोध करना है. ये अखिलेश, मायावती, ममता जी, उनको आदत पड़ी है देश हित की जो भी बात हो इसका विरोध करना है.
या सभेतून शहांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही फटकारलाय. देश विरोधामध्ये घोषणा देणाऱ्यांना तुरुंगात टाकलं जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए. सीएतून मोदींनी निर्वासितांना सन्मान देण्याचं काम केलंय असा दावा अमित शहा यांनी केलाय. मित्रों, अंत में मोदीजी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर लाखों करोड़ों हिंदू सिख बौद्ध जैन भाई मेरे जो शरणार्थी बनकर आए थे, अरबों खरबों रुपया की संपत्ति छोड़कर यहाँ भिखारी बन गए, जिनके पास खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, वोट देने के लिए नागरिकता नहीं है, जिनके पास दवाई की सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है, इनको मोदी जी ने नागरिकता देकर सम्मान देने का निर्णय किया है. मित्रों, सम्मान देने का निर्णय. मुझे बताओ भाई, देशभरामध्ये सीएए विरोधामध्ये आंदोलने सुरू आहेत, परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सीएए वापस घेतला जाणार नाही असं शहांनी सांगितलं. त्यांच्या या निर्धाराची देशभरातील आंदोलकांवर काय परिणाम होणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एएम न्यूज.